डीएस 500 410 एप्सन का हाई स्पीड स्कैनर है और इसमें ड्रेड का इशू है। तो मैंने खोलने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये रोलर निकालना है यहाँ से, देखिए, और यहाँ पे एक पेच होता है, इसको खोलेंगे। उसके बाद से दो पेच और होता है इधर, एक इधर, अगर आप देखेंगे, मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको डीपी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद से तो ट्रे वगैरह कैसे निकालना है, लगाना है, वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत आसानी से निकलता लगता है, तो अभी एक बार लगा के दिखा देता हूँ। मैं निकाल चुका था पहले, पेच वगैरह हमने खोल दिया। पेच तो आप भी खोल सकते हैं, पेच यहाँ पे होता है दिखाने के लिए, तीन पेच होते हैं, 1 2 3, इसको खोलिए। उसके बाद से ये ट्रे निकालिए, ऐसे लगाना, निकालना कैसे लगाने के बाद, तो ये चैलेंजेस होता है ज़्यादातर से, तो इसमें हम कुछ नहीं करना है। मेरे ये आसानी से लग गया, ओके। और दूसरी चीज़, इसको निकालने के लिए इसको क्या करना है, आपको ऐसे ऊपर करना और अंदर की तरफ प्रेस करना, ऐसे आसानी से निकल जाएगा। कुछ लॉक वगैरह डैमेज करने की ज़रूरत नहीं। पेज खोलने के बाद आपको एक पूरा कवर निकालने के लिए, देखिए ये वाली जो हिस्सा है, ऐसे घुमाएंगे और इसको खोलेंगे। यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं ऐसे, और इधर होते हैं ऐसे, सेम पॉइंट खोलेंगे, यहाँ भी घुमा के ऐसे, देखिए ये दो पॉइंट, ये निकल जाएगा हिस्सा पीछे, ये देखिए ऐसे कवर निकल जाएगा। और इसमें एक दो फ्यूज लगे होते हैं यहाँ पे, देखेंगे, एक इधर और एक इधर, तो इसको शॉर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि शॉर्ट कर दिया था यहाँ पे फ्यूज हटा के। फ्यूज देखिए, ये वाला जो फ्यूज है, ये कंपोनेंट है फ्यूज, तो दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, एक शोल्डर वायर शोल्डर से लेकर, और एक यहाँ पे जीरो वैल्यू की फ्यूज लगी हुई है, इनको दोनों को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। लेकिन अभी ये फ्यूज कहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जूम करके कहाँ पे होता है, एक यहाँ पे एक जीरो बना होता है अंदर वाले पे, जिसको शॉर्ट किया इस पॉइंट को, और यहाँ पे जो होता है 3 0 बना होता है, तीनों को चेक कर लेंगे, बीच देना चाहिए। तो ये वाला हमारा ओपन था, तो मैंने सोचा एक बार वीडियो बना लेते हैं, तो ये ओके है बिल्कुल। आप चेक करते हैं, चलते हैं ऑन करने के लिए, तो ऑन होता है कि नहीं होता है वो अभी पता चलेगा लगाने के बाद ही। अब यहाँ से जूम आउट इन कर लेते हैं, अब फोकस कर लेते हैं कैमरे से, ठीक है, ये देखिए, ये अपना ओके, ठीक है। अब एडाप्टर लगाते हैं, अब ट्राई करते हैं दोस्तों। तो अभी भी ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब वोल्टेज चेक कर लेते हैं एडाप्टर की, क्या वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए हमारा ये आगे कार्ड शॉर्ट है, कुछ और कंपोनेंट एडाप्टर ने एडाप्टर का वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो चुका है। चलिए पूरा कार्ड को खोल के इसको अच्छे से ट्राई करते हैं रिपेयर के लिए, और कार्ड में क्या है, फ्यूज के अलावा क्या इशू हो सकता है, वो नया केस है आज हमारा, तो हम इसको देखेंगे पूरा कार्ड खोल के। तो पूरा कार्ड बाहर निकालेंगे, ये आप ऊपर से शॉर्टकट रिपेयरिंग कर सकते हैं अगर फ्यूज ओपन है तो, उस केस में अगर कुछ कंपोनेंट शॉर्ट ना हो, जैसे मेन कंट्रोलर वगैरह। ठीक है, ये अपना और कनेक्शन निकाल के आता और यहाँ से ठीक करने वाले हैं आज इसको, क्या ख़राब है, रिपेयरेबल है नहीं है अभी पता चल जाएगा। ये अपना ग्लास, सीसीडी ग्लास का जो CIS स्कैनर है, और ये अपना कार्ड है, इसे लॉजिक कार्ड बोलते हैं, और इन पे चार पेज, इनको भी हटा लेते हैं, तो इससे अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो
तो देखिए इसमें ज़्यादातर से मैं आपको इशू बता रहा हूँ, बिना खोले ही भी चेक करते हैं, फिर हम ज़रूरत पड़ेगी तो रियर साइड भी हम चेक करेंगे जिसे बैक साइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपना पॉइंट है और इस पर एक बार फोकस करते हैं आपको दिखाने के लिए। ये अपना कार्ड बीप रेंज से सेट करके मीटर को चेक करते जाएंगे कि क्या कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। तो ये डायोड कुछ लगे होते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे हटा लेंगे यहाँ से और इस यहाँ के कंपोनेंट वगैरह को चेक करेंगे जो कंट्रोलर के आसपास है। ये भी कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है और ये मॉस्फेट तो और चेक करेंगे, तो देखिए ये शॉर्ट हो गया है मॉस्फेट। ठीक है, मॉस्फेट शॉर्ट हो गया तो ये ऑन नहीं होने देगा, तो इसको हम यहाँ से चेक करेंगे। तो ये शॉर्टिंग पूरा यहाँ से कनेक्टिविटी है, तो मॉस्फेट को हटा के देखेंगे, देखिए यहाँ पे पूरे तरीके से शॉर्ट है यहाँ पे ऐसे। ओके, तो अलग है, अभी यहाँ पता चलेगा जब मॉस्फेट हमको निकालना है। चेक करते हैं अपना जो शॉर्टिंग है वो हटा कि नहीं हटा, वो पता चल जाएगा अभी आपको। देखिए शॉर्टिंग हट चुका है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट मॉस्फेट शॉर्ट है और यहाँ पे जो शॉर्टिंग आ रही थी एज इट इज़ है हमारी शॉर्टिंग। और ये कम मॉस्फेट को हम निकालेंगे इधर, इसको भी हटा लेते हैं। तो इसको कैपेसिटर को चेक करेंगे, कैपेसिटर बिल्कुल गुड है और यहाँ पे जो शॉर्टिंग है वो अभी तक नहीं गया, तो हमें लग रहा है कि रियर साइड खोलना ही पड़ेगा और इधर चेक करेंगे। यहाँ पे भी कुछ डायोड वगैरह से लगे हुए हैं और यहाँ पे कंट्रोलर भी चेक हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हमारा शॉर्ट है क्या है। सत्तर ओम दिखा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 ओम से नीचे नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। देखिए रिमूव हो चुका है, तो 8 ओम आने लगा और यहाँ पे डायोड्स हैं तो इनको भी हम चेक करेंगे। डायोड्स भी बिल्कुल गुड हैं, तो यहाँ पे जो ब्रेक है सर्किट यहाँ से और यहाँ चेक करेंगे, तो अभी शॉर्टिंग मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं है। ये देखिए, तो एक बार मॉस्फेट को लगा के देख लेते हैं।
हम यहाँ चेक करते हैं अपनी शॉर्टिंग, तो यहाँ पे शॉर्टिंग शो करने लगा, तो यानी कि ये मॉसफेट भी हमारा ख़राब है। तो इसका जो मॉसफेट नंबर क्या है 9575GH, तो इसका मॉसफेट आसानी से मिल सकता है, मिल सकता है। तो जैसे कि आप देखोगे 3000S, 3500S प्रो का ऐसे कार्ड होते हैं, और जी कार्ड उनसे मिल जाता है, तो उससे एक बार स्वाइप करके देख लीजिए, अगर चल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं चलता है तो फिर आपको यहाँ पे रिप्लेस करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोलर इसके इसमें सही है, लेकिन ये भी शॉर्ट हो चुका है। तो अगर इनमें मिलता है कोई कार्ड वगैरह तो आपको हम पार्ट टू वीडियो में दिखा देंगे इसका कैसे हम रिप्लेस करके आपको ठीक करना है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग ये 45, इसका नंबर क्या है 9975GH, तो इसको आप चेंज कर दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा पावर ऑन का, ऐसे शॉर्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फ़िलहाल अगली वीडियो में, धन्यवाद।